कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मिला था मैं, आप जैसा यंग लड़का था, बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, बहुत डिप्रेशन में था, और आके रोने लगा मेरे सामने। फिर मैंने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोला मैं सुसाइड करने का मन करता है, जीने का मन नहीं करता। मतलब तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 20-25 साल, और जीने का मन नहीं करता। क्या हुआ? बोला मम्मी के अलग अफेयर हैं, पापा के अलग अफेयर हैं, और मैं इसको सब पता है, देखता हूँ, जीने का मन नहीं करता। ये समाज की स्थिति हो गई है, वेरी वेरी डेंजरस। काम है, काम नष्ट कर देगा समाज को, देश को। काम हमको बेकाम करके छोड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अपने मन को बस में करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। एक अच्छा फैमिली मैन भी अगर बनना चाहते हो, यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड सेंस, यस और नो? एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो जो हनी ट्रैप में ना फंसे, हैं? हनी ट्रैप में ना फंसे, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर। आज देखो इतने आईएएस ऑफिसर करप्ट मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? सब कैरेक्टरलेस है। भारत में 65% आईएएस ऑफिसर करप्ट है। और मैंने एक आईएएस ऑफिसर से पूछा कि क्या ये आंकड़ा सही है, इतने लोग करप्ट हैं? मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो बोला कि नहीं गलत है आंकड़ा। फिर मैं बोला सही क्या है? बोला 95% करप्ट है। करप्ट ही नहीं है, करेक्टर लेस है। ये स्थिति है जिस देश में इतने बड़े पैमाने पर अधिकारी करेक्टरलेस हैं, उस देश में कहां से शांति और न्याय की बात की जाएगी? कभी होगा? नहीं होगा। ये एक अच्छा ऑफिसर भी बनना है तो यू मस्ट बिकम ए डिवोटी, यू मस्ट चैंट हरे कृष्णा, यू मस्ट कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस, अपने मन और इंद्रियों को बस में करो। यही तो गीता में बता रहे हैं अर्जुन को। कुछ भी बनना है आपको अपने मन को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, बस में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? भक्ति के द्वारा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। राजा भर्तृहरि की कथा आती है। राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, पहले राजा थे वो भारत के। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। वो अपनी पत्नी के रूप में हमेशा मोहित रहते थे, राज कार्य करना भी भूल गए। और बोले ये साधु संत लोग क्या पागल लोग होता है सब, इतनी सुंदर स्त्री को छोड़ के संन्यास ले लेता है सब। स्त्री के रूप में इतना आनंद है, उसकी बाहों में इतना आनंद है, क्यों छोड़ देता है सब? उनको समझ में नहीं आ रहा था। अपनी पत्नी के रूप का वर्णन करने के लिए उन्होंने 100 श्लोक लिखे, पूरी किताब लिख दी है पत्नी के रूप का सौंदर्य का वर्णन करने में। और फिर उनके राज्य में एक दिन एक साधु आया। साधु ने कहा महाराज मेरे पास एक फल है, मैंने तपस्या से अर्जित किया है, ये फल जो भी खाएगा अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। राजा बोले ठीक है, तो आप मेरे को क्यों दे रहे हैं, खुद क्यों नहीं खा लेते? बोला महाराज मैं गरीब साधु, वैसे ही गरीब हूं, रोज सोचता हूं कब मर जाऊं तो गरीबी खत्म हो जाए, और उसके ऊपर से अमर हो जाऊं, अमर गरीबी। ये तो वरदान क्या है, तो मेरे लिए श्राप हो गया। आप राजा हैं, आप अमर होंगे तो लंबे टाइम तक मजा लेंगे जीवन का,
गरीब आदमी उम्र होकर क्या करेगा। इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको फल दे देता हूँ और आप इसके बदले में कुछ मुझे दे दीजिए पैसा वैसा, ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए और आप जो है अमर हो जाएं। तो फल ले लिया और राजा लेकर गए अपनी पत्नी के पास और बोले, मैं तुम्हें आज एक फल दे दूंगा जो तुम्हें अमर बना देगा। तो राजा बोले, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय हो, मैं तुम्हें अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करता हूं और उम्मीद है कि तुम ही करती होगी। तो बोली, हाँ हाँ महाराज, लेकिन मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले खा के क्या करूंगी, एक ही फल है, आपके बिना मैं कैसे जी के क्या करूंगी। तो राजा बोले, ठीक है तो रख दो, दूसरा आएगा तो दोनों मिल के खाएंगे। फिर इस तरह से राजा भूल ही गए वो फल। अब कुछ काफी समय बीत गया और एक दिन उनके राज्य में एक नर्तकी वेश्या नृत्य कर रही थी और नृत्य खत्म हो गया, वो राजा के पास आई और बोली, महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हो? उसने बोला, मेरे पास एक अमर फल है। अमर फल? हाँ, अच्छा कैसे मिला? महाराज वो छोड़िए, तुम क्यों नहीं खा लेती? नहीं, मैंने सोचा कि जो जिस मैं खा के क्या करूंगी, मैं आपसे सबसे ज्यादा आप खाएंगे तो राजे का भला होगा, इसलिए मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपको दे रही हूँ। राजा खुश हुए, फल लेकर आए रानी के पास, बोले, महारानी दूसरा फल मिल गया है, बहुत खुश हूं मैं, आप पहला वाला लेके आइए, हम दोनों मिलके खाएंगे। रानी के चेहरे का होश उड़ गया। रानी कहती है, वो पता नहीं दूसरा वाला फल कहाँ गायब हो गया, मिल नहीं रहा है। राजा बोले, अमर फल गायब हो गया, ये कैसे हो गया? डाउट हो गया। उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बिठाई, होश उड़ गए। महाराज को ने वेश्या से पूछा गया कि तुम्हारे पास फल कहाँ से आया? वेश्या ने बताया, मेरे पास मेरे कस्टमर ने दिया, वो बोलता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो खुद नहीं खा रहा है, मुझे दे रहा है। अच्छा, उस कस्टमर को पकड़ा गया, तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोला, रानी से के पास से आया। रानी? रानी ने तुमको क्यों दिया? क्योंकि रानी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो चक साइकिल पूरा हो गया। हैं? पूरा हो गया ना। राजा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं रानी से, रानी सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने जो घुड़साल है उसके देखभाल करने वाले से, और वो जो है रानी से प्यार नहीं करता, वो वेश्या से प्यार करता है सबसे ज्यादा, और वेश्या जो है उससे प्यार नहीं करता, राजा से करती है। और हैं? ये है सिचुएशन, ये संसार है। हैं? क्या है? संसार। ओ राजा, ऐसा वैराग्य आया, साधु का वेश बना के निकल पड़े। उनको समझ में आ गया कि साधु लोग क्यों घर छोड़ता है, क्योंकि पहले सोच रहे थे कि इतना आनंद है स्त्री की बाहों में, उसको क्यों छोड़ने का। लेकिन फिर उन्होंने 100 श्लोक और लिखे जिसको वैराग्य शतक का नाम दिया, जिसमें लिखा कि वो कौन मूर्ख होगा जो भगवान की भक्ति को छोड़कर स्त्री रूपी माया के चक्र में फंसेगा और अपना जीवन बर्बाद करेगा। तो एल मतलब लाइफ, लाइफ बर्बाद, और ई मतलब क्या बताइए? एवरीथिंग एल्स, जो बच गया वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो बी सिंपल,
हैं, बी सिंपल, चैंट हरे कृष्णा हैं, तो लस्ट को कंट्रोल करने से आपके जीवन में बहुत शांति और आनंद आएगा। और आप अगर एक अच्छा इंसान भी बनना चाहते हो तो आपको अपने लस्ट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और इसको करने का एकमात्र तरीका है क्या, हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सत्संग में रहिए, हरि नाम जप कीजिए, भागवत गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन करो, और ऐसा करने से आपको भगवान की कथा लीला सुनने से हमारा मन भगवान में लगेगा तो संसारिक चीजों में आकर्षित नहीं होगा, और फिर हम अपने इंद्रियों को संयमित करके और शांति का लाभ कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा सकते हैं। तो इसलिए आप सब, ब्रह्मचर्य आधार है हर चीज का। आप कुछ भी करना चाहते हो, ब्रह्मचर्य आधार है, ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है, सन्मार्ग पर चलने की शक्ति, कर्तव्य पथ पर चलने की शक्ति आती है। तो इसलिए इस समाज में, इस जीवन में सुख शांति या मृत्यु के बाद अगर भगवान धाम की प्राप्ति, दोनों के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। हरे कृष्णा।